हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारा आज का ये नया वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो ये जो पिक्सल है ना, इस पिक्सल को लेके है। ये पिक्सल मार्केट में बहुत टाइम से है, लेकिन इस पिक्सल को शायद सब लोग नहीं जानते या फिर सबको पता नहीं है इसके बारे में। ये सस्ती पिक्सल है, ठीक है। ये इसका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, मैं स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूँ। इसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसका वायर कॉपर में ही है, ठीक है। फुल कॉपर तो नहीं बोल सकते, लेकिन कॉपर में ही है। थोड़ा थिकनेस कम है वायर का। और इसका पिक्सल में कमी क्या है बाकी पिक्सल से मैं बता सकता हूँ आपको। ब्राइटनेस भी अच्छी है इसका, ठीक है। इसके ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो है। मेरा आप 12-24 और 8-16 का जो बोर्ड का वीडियो देखे होंगे आप, फिलहाल का जो बोर्ड वीडियो आया हुआ है वो इसी पिक्सल से बना हुआ है। मैं आपको वो भी वीडियो आपको साइड में वीडियो के साइड में मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे वीडियो में भी देख सकते हैं साइड में चलते हुए। ये जो पिक्सल चल रहा है ना, ये भी इसी से बना हुआ है, इसी पिक्सल से बना हुआ है, ठीक है। ये जो पिक्सल आप देख रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसको बना के बहुतों को अभी तक बहुत सारा इसका बेच चुका हूँ, बता के बेचता हूँ। ऐसा नहीं कि इसका क्वालिटी क्या है मैं वो क्लियर कर लेता हूँ तभी मैं किसी को भी देता हूँ। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास है अभी इसका बहुत सारा क्वांटिटी है मेरे पास, तो अगर कोई भाई हैं अगर इस तरह का पिक्सल लेना चाहते हैं थोड़ा कम प्राइस में, तो आप लोगों का स्वागत है। और जो अच्छा क्वालिटी हैवी में लेना चाहते हैं उनके लिए और सारा बहुत सारा क्वालिटी है, आप चाहें तो कॉपर में भी आपको मिल सकता है। लेकिन आज बाकी क्वालिटी का बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ डीसी का बात करेंगे। इसमें फ़र्क क्या है उसमें और इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्लोज लुक। ये देख सकते हैं आप, इस पर इसके अंदर जो है ना आईसी नहीं है, ये देख सकते हैं। लेकिन ये आईसी नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2811 ही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर देख सकते हैं, पीवीसी वायर 15 सेंटीमीटर, बिल्ट इन 2811 आईसी, ग्लू प्रोसेस, 500 पीस, यानी 10 पीस का झालर होता है इसमें, 500 पीस पिक्सल होता है। 2811 आईसी ग्लू प्रोसेस के द्वारा इस पर है, ठीक है। आईसी इस पर दिखता नहीं है, आईसी इस पर है नहीं, लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग जो है ना वो ग्लू प्रोसेस से इसका इसको रेडी किया गया है। और ये 2811 ही है, ठीक है। इसको 2811 का हर कंट्रोलर से आप सपोर्ट दे सकते हैं, किसी भी कंट्रोलर को ये सपोर्ट लेता है, ठीक है। मैं आपको इसको जला के भी दिखा दूंगा और इसका प्राइस भी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। वीडियो को पूरी देखें, ठीक है, वीडियो पूरी देखें, मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका प्राइस भी बताने वाला हूँ। और अपना मोबाइल नंबर मेरा स्क्रीन के नीचे अभी भी चल रहा है और पूरी वीडियो में मैं चलाता हूँ अपना नंबर। जो भी कोई और पिक्सल भी अगर लेना चाहते हैं, जेल वाला SMD में है या फिर इसी में कॉपर में है, कॉपर फुल कॉपर में MST ब्रांड मेरे पास मिल सकता है अभी। इसमें जलने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस यही है कि लो क्वालिटी है, लोग इसको लो क्वालिटी बोल के ही इससे डरते हैं। तो प्राइस की बात तो हम लास्ट में करेंगे, पहले मैं इसके अंदर का जो है ना कंप्लीट इसका जो व्यू है वो मैं दिखा देता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन ना रहे इस पर IC वगैरह, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ इस पर, ये देख सकते हैं आप, इस पर IC नहीं है, ठीक है। इसके अंदर IC नहीं है, लेकिन ये ग्लू प्रोसेस से 2811 का बनाया गया है। क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लाइट अच्छा खासा है, इस पर भी ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है और लाइफ भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि लाइफ नहीं है, मैं अभी तक जिसको भी बना के दिया हूँ बोर्ड में, गेट में, गेट तक मैं बना चुका हूँ इसका, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आया है। अगर कंप्लेन आया होता तो इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा होता। मैं पहले बहुत पहले से मेरे पास ये है, लेकिन मैं ट्राई करने के लिए अभी तक वीडियो नहीं बनाया था इसके ऊपर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि सीज़न का स्टार्टिंग में मैंने दिया था, लगभग मार्च के स्टार्टिंग में मैंने दिया था बोर्ड इसके ऊपर, बोर्ड और गेट लोगों को। और अभी मई ख़त्म होने वाला है और लगभग पूरा शादी सीज़न हमारे यहाँ का ख़त्म होने वाला है, लास्ट है, जून तक ही होता है, जून स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाता है, तो तब तक ख़त्म हो जाता है। और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आया, तो अब मैं कंफर्म हूँ इसके लिए कि क्वालिटी ठीक ठाक है, अच्छा है और सस्ते में अच्छा क्वालिटी है, ठीक है। पिक्सल आप देख सकते हैं, वही 3 वायर है, इस पर भी कॉपर है, आप देख सकते हैं। मैं कॉपर वायर दिखाने वाला था आपको, मैं वायर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर यही पिक्सल है, सेम टू सेम यही पिक्सल है, बस मैं इसको
खोल के अंदर से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसका वायर, इसका वायर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। थिकनेस भी अच्छा है, कॉपर ही है, बस यही है कि उसका थिकनेस से थोड़ा कम है इसमें, लेकिन है तो कॉपर ही। और पिक्सल का क्वालिटी भी ठीक है, पिक्सल का साइज़ भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका सही है और इसका ब्राइटनेस भी सही है। मैं आपको एक जला के दिखा देता हूँ इससे, यहाँ पे मैं आपको जला के दिखाता हूँ एक। ये हमारा कॉम्बो कंट्रोलर है, कॉम्बो कंट्रोलर से जला के दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, ये कॉम्बो कंट्रोलर से जल रहा है। ये इसका ब्राइटनेस देखिए, काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस है इसका। इस साइड से भी आप देख सकते हैं इसका, ये पूरा अभी दिन का टाइम है आप देख सकते हैं ये, लेकिन अभी मैं इसको ब्राइटनेस आपको दिखा देता हूँ इसका। देखिए इसका ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, ठीक है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। इसका लाइट भी अच्छा है और सस्ता है। तो इसका जो वीडियो है मेरे ऊपर, सॉरी मेरे पास, मैं आपको वो भी साइड में चला के दिखा ही दिया हूँ। और ये हमारा पिक्सल, मैं इसको आपको अगर लग रहा होगा कि मैं दूसरा पैकेट दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका पैकेट सेम टू सेम है, 2811 IC ग्लू प्रोसेस, ठीक है, यही पिक्सल है। पिक्सल का देख सकते हैं पूरा क्लियर है। लोग अगर इसी को अगर छिपाना चाहता लोग, तो आपको ये पूरा इसको डार्क करके बना सकता था लोग, लेकिन नहीं बनाया। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इसका वीडियो भी आप देख चुके होंगे, ये 8x16 का जो है आप देख चुके होंगे, मेरे वीडियो में है ऑलरेडी। अच्छा खासा इसका भी इफेक्ट अच्छा है, इसका ब्राइटनेस अच्छा है। आपने इसका वीडियो देख के किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा पिक्सल लगा है। मैं दिखा देता हूँ, ये यही पिक्सल है, देख सकते हैं इसी पिक्सल से बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं पिक्सल वही है, ठीक है, देख सकते हैं विदाउट IC वाला, यही वाला पिक्सल है। ये आप पिक्सल देख सकते हैं, इसको जलते हुए देख सकते हैं। तो इस पिक्सल का आप जितना भी क्वांटिटी चाहेंगे आपको मिल जाएगा, प्राइस अच्छा प्राइस है, आप क्वांटिटी जितना भी कहेंगे आपको मिल जाएगा। मेरे पास अभी बहुत सारा इसका क्वांटिटी है, पर मेरे पास अभी स्टॉक में, तो अनलिमिटेड आप इसको ले सकते हैं मेरे से अभी, ठीक है। ये आप इसमें देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस और इसका कलर। तो ब्राइटनेस दिखाने के लिए थोड़ा मुझे अपना डार्क करना पड़ेगा, अपना ब्राइटनेस कम करना होगा कैमरा का, तभी आपको दिख पाएगा कलर इसका। आप देख सकते हैं इसका लाइट अच्छा है, ब्राइटनेस अच्छा है और क्वालिटी भी ठीक ठाक है और सस्ते में है, ठीक है। ओवरऑल जो भी हो, पिक्सल मुझे दिखाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप ये पिक्सल अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरे से ले सकते हैं। ये कम प्राइस में है और इसका प्राइस मैं आखिरी में बताने वाला था, मैं अब बता देता हूँ इसका प्राइस। इसका प्राइस आपको वीडियो में डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, तो कोई प्राइस, तो इसका जो प्राइस होगा वो फिक्स होगा, कोई प्राइस व्हाट्सअप पे पूछने का ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सअप पे प्राइस ना पूछें। अगर कोई लेना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टेड बंदे हैं जो इसको लेना चाहते हैं, तो इसका प्राइस फिक्स होगा, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसका प्राइस फिक्स होगा, इसी प्राइस पर आपको मिलेगा, ठीक है। और इसका प्राइस मैंने रखा हुआ है, इसका जो फिक्स प्राइस है वो 280 है, 280 रुपया एक झालर का, इसमें कोई कम नहीं होगा, ये फिक्स प्राइस होगा 280 रुपया। आपको जितना भी चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, जितना लेना है आप ले सकते हैं। मिनिमम 10 पीस होगा एक पैकेट, और उससे ज़्यादा आप जितना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का वीडियो हमारा इतना ही, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी बंदे नए आए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं नए चैनल पे, देखते हैं वीडियो और वापस रिटर्न हो जाते हैं, तो भाई एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। आप एक सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे, और मैं कुछ और भी करने का कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।